तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे जानेंगे एसएससी जीडी सिलेबस जो है, एसएससी जीडी का कौन कौन सा सिलेबस है, कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिखा देंगे। तो एसएससी जीडी का यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे हम बताएंगे अभी, तो देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा वीडियो देखें, पूरा वॉच करें। तो और इसका जो टाइमिंग जो है, क्लास टाइम भी यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो क्लास होगी तो वहाँ पर देख लीजिए 8 AM और 8 PM दोनों टाइम होगी, जिसका फर्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। तो ये टाइम पे आप डेली वीडियो देख लिया कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे आप सामान्य ज्ञान, जैसे कि सामान्य ज्ञान से इसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे गणित जो है, गणित से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रहेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश, इससे भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। तो ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, यानी कि टोटल 80 प्रश्न होंगे, जो कि 160 नंबर के होंगे। और यहाँ पे देखेंगे अब हम कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। इसके अंतर्गत जो है 24 टॉपिक आते हैं मुख्यतः, और उससे एक दो टॉपिक छूट भी सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गणित जो है, गणित का कुछ टॉपिक हैं, फिर रीजनिंग में जितने टॉपिक हैं, और हिंदी इंग्लिश इसमें कितना टॉपिक हैं। और ये बात आप ध्यान रखें, ये जो होता है हिंदी या इंग्लिश जो दिए हैं, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका हिंदी होगा, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपका इंग्लिश होगा। तो इस हिसाब से होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसका जो नंबर रहेगा, जैसे कि 80 क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा। और माइनस मार्किंग जो है, माइनस मार्किंग एक गलत होने पे आपका आधा नंबर कटेगा, तो इस हिसाब से रहता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य ज्ञान में कुल बोले थे 24 टॉपिक आती है, और इसी 24 टॉपिक में से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन जो कि 40 नंबर के होते हैं, 40 मार्क के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है करेंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, संविधान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रमुख संगठन, प्रमुख युद्ध अभ्यास, खेलकूद, नई युक्तियाँ, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, लोक नृत्य, पुरस्कार, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, नदी हो गया, सड़क हो गया, ये सब आंदोलन। फिर उसके बाद प्रमुख निधन, नए चुनाव, नए कानून, देश विदेश के दौरे, प्रमुख किताब के लेखक, देश विदेश के चुनाव। तो इस तरह से आएंगे। और इसका जो क्लास है डेली 8 AM से 8 PM चलती है सबका क्लास, जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, सब क्लास डेली चलेगी 8 AM 8 PM दोनों टाइम चलेगी, दो टाइम। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सामान्य ज्ञान के बाद मैथ का टॉपिक। तो गणित में जो है, यहाँ पे देख लीजिए गणित का टॉपिक, गणित में जो है संख्या पद्धति, और इसका जो है एक एक टॉपिक पे, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो, या फिर दो तीन वीडियो, जितने वीडियो में होगा तो एक एक टॉपिक को लेके हम इसका वीडियो बनाएंगे, जिससे कि मैथ का जो है कंठस्थ आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, तो 20 का 20 बनाना है और 40 नंबर हासिल करना है। तो इसका जो एक एक है, एक एक टॉपिक का तोड़ तोड़ के अच्छे से बताएंगे, जो कि एक दिन अगर लगती है इसका, जैसे कि थ्योरी में एक दिन, तो एक दिन आपका इसका अगर संख्या पद्धति का थ्योरी एक दिन या दो दिन लगा है तो इसका एक दिन, फिर उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, जिसका PDF जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे इसका टॉपिक आप देख लीजिए, संख्या पद्धति, संपूर्ण दशम संख्याओं का गणना, दशमलव, भिन्न, मौलिक अंक गणित, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, वट्टा, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और काम, आयु, रेलगाड़ी, सांख्यिकी, मिश्रण, इस तरह से आप देख लीजिए इतने टॉपिक हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग का टॉपिक। तो रीजनिंग के टॉपिक में आप देख लीजिए यहाँ पे, इसमें कुल 14 टॉपिक है, जिसमें 14 में से 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इसमें देख लीजिए सादृश, समानताएँ, अंकगणितीय तर्क, मतभेद, अंकगणित, संख्या श्रृंखला, स्थानिक अभिनिवास, कोडिंग और डिकोडिंग, दृश्य सम्मिति, भेदभाव अवलोकन, स्थानीय दृश्यता, संबंध अवधारणाएं, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला, इस तरह से आएंगे। और इसका भी
कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो या दो वीडियो प्रोवाइड कर दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसका करवा दें, इससे याद हो जाए, रिवीजन भी करवा दें, रिवीजन रहेगा तो उसके बाद ही आपको याद होती है, कंठस्ट याद होती है। और शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट जितना शॉर्ट हो इसको बनाने का, मैथ और रीजनिंग का शॉर्ट से शॉर्ट बन जाए। तो चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे है हिंदी का टॉपिक, अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश आपका होगा, अगर हिंदी लेते हैं तो इंग्लिश का, हिंदी लेते हैं तो हिंदी का। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें भी 12 टॉपिक है, 12 में से 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, उतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक पे आते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक भी, इंग्लिश का टॉपिक 12 टॉपिक इसमें भी है जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आएंगे 20 क्वेश्चन और 40 नंबर के ये भी होंगे। माइनस मार्किंग तो बता ही दिए, 0.5 है, यानी कि आधा नंबर 1/2 आपका कटेगा, अगर एक सही होती है तो आपको दो नंबर मिलती है। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाए माइनस मार्किंग देख के, आपको अगर नहीं बनती है तो, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन माइनस मार्किंग में जाने नहीं देना उतना क्वेश्चन। अगर कोई कोई डाउट लग रहा है तो उसको आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर सही होती है दो नंबर, अगर गलत होती है चार में से, मान लीजिए चार आप डाउट है चार में से आप बना दिए, उसमें से दो अगर सही होती है तो आपको कितना, चार नंबर मिल गई, अगर दो गलत हो गई है तो उसमें से एक नंबर घट जाएगी, यानी कि तीन नंबर तो आपको मिलेगी ही, ये निश्चित है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से वहाँ पे करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम अब डेली आपको बता दिया करेंगे, 8 AM 8 PM जो है डेली वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। तो धन्यवाद।